कैट दी वेदर गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज थोड़ा सा कुछ धुंधला धुंधला सा वेदर है, बट वो देख रहे हो सामने समलेव वाली नदी है और यहीं पे नीचे खैरी पुल है और ये लोकेशन है कुछ अपने गांव की। आज मैं थोड़ा और ऊपर हूँ, सामने जेके वाले पहाड़ हैं। हेलो माय क्रेजी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो आज तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से एक और दमदार वीडियो लेके, एक और जबरदस्त वीडियो लेके। गाइस, तुम्हारे भाई ने कर लिया अपना हेलमेट पे सेटअप डन। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं मोबाइल से व्लॉग करने वाला हूँ दोबारा से। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। सिंगल शोकर वाली बाइक को एडजस्ट कैसे करना है सीट हाइट, आपकी अगर हाइट कम है तो आप एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप ऊपर के लिए एडजस्ट भी कर सकते हो। सो फाइनली गाइस, तुम्हारा भाई बिल्कुल रेडी है बाइक भगाने के लिए। सो 3 2 1 गो। क्या बात है यार भाई, मतलब हवा से बातें करते हुए चलती है बाइक। आज काफी दिनों बाद यार व्लॉग बना रहा हूँ, कुछ रीजन थे जिसके कारण मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था अपना। सो फाइनली आज मैं व्लॉग बनाने आ चुका हूँ एंड तबाही मचा देंगे गाइस, तबाही। सो गाइस चलो शुरू करते हैं इसकी डिसएडवांटेज से। सो इसकी पहली डिसएडवांटेज है इसकी राइडिंग पोस्टर, बिकॉज जो आपकी नी है उसमें आपको दर्द होने लग पड़ती है, काफ़ी लॉन्ग राइड नहीं कर सकते आप इसमें। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपके हाथों में दर्द होगी, अगर आपकी हाइट लंबी है तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। सेकंड रीज़न है आपकी बैक, अगर आपकी हाइट लंबी है तब तो आपको दर्द होगी ऑलरेडी, और आपकी हाइट अगर 5'2" है तो आपको तब भी लॉन्ग राइड पे दर्द होगी ही होगी। काफ़ी राइडर है जो काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते हैं इस पर, बट जो नॉर्मल अगर आप डेली व्लॉगिंग के लिए चाहते हो या शॉर्ट राइड के लिए चाहते हो तो RC इज़ द बेस्ट ऑफर फॉर यू एंड 200 cc इनफ है। और इसकी तीसरी डिसएडवांटेज है इसकी माइलेज, जो कि अब मुझे लग रहा है कि इसकी माइलेज काफ़ी ड्रॉप हो चुकी है। मुझे इसकी माइलेज 26 की मिल रही है अभी, आई डोंट नो व्हाई, क्या कमी है अभी। फोर्थ रीज़न इसका ये है, जो इसके टायर्स हैं, जो कंपनी की तरफ से टायर्स आते हैं वो अगर आपके 7000 चल गए उसके बाद ग्रिप तो अच्छा रहता है बट वो काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं, आपको बाइक कर लीन करने में काफ़ी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, काफ़ी ज़्यादा बाइक स्किट करने लग पड़ती है। और इसका वेट जो है काफ़ी हल्का है इसकी पावर के हिसाब से, तो थोड़ा सा रोड से बाहर आ जाती है ये। इसकी जो हीटिंग इश्यू है गाइस वो काफ़ी है, और नई वाली BS6 जो है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इश्यू है BS4 के मुकाबले, तो ये काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं। और फाइनली अभी तुम्हारा भाई पहुंच चुका है जंदरेड़ा वाली लोकेशन में वापस अपना काम सारा निपटा के। तो हेयर इज बब्बर, और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप ये वाले गार्ड्स लगाते हो ना तो काफ़ी बढ़िया वाले लगाना, अगर बेकार लगाओगे तो ऐसे ही टूट जाएंगे जैसे मेरे टूट रहे हैं अभी। इस साइड देख रहे हो इसका ब्लैक वाला बर्ड्स यहीं पे है, दूसरी साइड से ब्लैक वाला किसी ने तोड़ दिया या निकल गया, आई डोंट नो बट। और इसकी मेंटेनेंस, इसकी हाइट और इसके जो शोकर्स एडजस्ट हो जाते हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका कूलेंट जो है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होता है गर्मियों में, फ़िलहाल अभी तो मेरा है। एंड ब्लैक कलर जो है, अगर आप ज़्यादा ब्लैक लेते हो तो वो काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है, ब्लैक में जो है आपको कपड़ा बार बार मारना पड़ेगा एंड स्क्रैचेस वगैरह मिलने लग पड़ते हैं। अभी जो मैट ऑरेंज आया है वो काफ़ी बढ़िया कलर है और उसमें फिनिशिंग भी काफ़ी बढ़िया आती है, दूर से ही अलग ही लुक लगती है बाइक की। अदरवाइज़ बाइक ओके है, बट अपने हिल एरिया में थोड़ी सी मेंटेनेंस, गड्ढे गुड्ढे मिट्टी, तो इसमें थोड़ा सा चेन वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है। The next day. जो है पापा को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, वो जा रहे हैं पापा यहाँ पे एंड ये अपर खैरी वाला पुल। सो लेट्स गो, चलते हैं हम भी वापस, सब अपनी लैम्बो है आज हमारे पास। गाइज आज हम जा रहे हैं अपनी माता जी को घुमाने। सो मेरे साथ में अभी मम्मी है, तो हम जा रहे हैं घूमने एंड मम्मी को मैं यहीं पे डैम पे ड्रॉप करके खुद चला जाऊंगा आगे जहाँ पे मुझे काम है। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आ गई थी और ये एरिया देख रहे हो लकड़ियों वाला, और आज का मौसम बढ़िया है वैसे तो,
पर धूप ज़्यादा है, अभी दोपहर में पता लगेगा हमें। और लिटरली मैन गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खड़क चुकी है एंड सामने डैम का व्यू है। गाड़ी में ब्लॉक करने का मज़ा ही कुछ और आता है। I'm in the island on a Wednesday, laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting no seat like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all lie when they know the truth. गाइस अभी जो है मैंने मम्मी को ड्रॉप कर दिया है एंड अभी मैं जा रहा हूँ डैम वाली साइड। ये वाला पूरा एरिया जो है ये डैम का है और यहाँ पे देख रहे हो मतलब हैवी मशीन्स, बहुत हैवी हैवी मशीन्स लगी हुई है। ये सामने वाली मशीन जो है ये काफ़ी पुरानी है और काफ़ी हैवी भी है एंड अभी यहाँ पे जो है लकड़ी निकालने का काम किया जा रहा है। ये देख रहे हो ये जो जाला जा रहा है ना, अभी आपको मिलेगा नहीं अगर यहाँ से वीडियो शूट करने देते हैं। ये वाला तो जाला मशीन है ना, ये अभी चला रहे हैं एंड यहाँ से जो है पूरा जाला जाता है। डैम का व्यू दिखाता हूँ, डैम का व्यू कैसा आ रहा है। और अभी जो है डैम की बैक वाली साइड दिखाऊंगा आपको मैं, जो गेट्स वगैरह होते हैं। सो बैक कैमरे से आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ मैं, काफ़ी प्यारा व्यू लग रहा है। और वहाँ सामने ही लकड़ियाँ निकाली जा रही हैं, वो भी अगर कैप्चर हो गया तो वो भी दिखा सकता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द व्यू गाइस, ये है बैक साइड, यहाँ पे गेट होते हैं डैम के और इसी एरिया में पूरी लकड़ी जमा हो जाती है जो भी पीछे से आती है। और वो मशीन लगी हुई है वहाँ पे, वो लकड़ी इकट्ठी कर रही है जाले के साथ। एंड अभी हूँ मैं बाथरी वाली लोकेशन में, यहाँ से जो रोड जाता है वो आपका चंबा और बाथरी के लिए जाता है। एंड सामने का एरिया देख रहे हो, वो अपने पहाड़ हैं, जन्नत वाला एरिया है यहाँ पे। और काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ आज, तो काफ़ी टाइम बाद शूट करने का रीज़न यही है गाइस, काम काम काम। आपको पता है घर पे रहना तो काम भी करना पड़ता है, अगर काम नहीं करेंगे तो आपको तो फिर पता ही है घर वालों का। सो मेरे की बात नहीं है, सभी के घर वाले ऐसे ही होते हैं। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, यही रीज़न है। एंड आज गाड़ी की पिछली बार अभी मैं गाड़ी को बना के लाया था बट इसकी कंडीशन फिर से पापा ने वैसी कर दी है कि क्या बताऊँ, चलाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल आवाज़ कर रही है खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। बट लुक एट द व्यू गाइस, एक गेट छोड़ा हुआ है वहाँ पे सामने, अदरवाइज सारे गेट बंद है, ऐसे लग रहा है दीवार है। टूरिस्ट यहाँ पे चलना शुरू हो चुका है बिकॉज गर्मियाँ आ गई हैं और टूरिस्ट आपको पता है हिल एरिया में आना चाहते हैं। सो हिल एरिया आपके लिए खुला है गाइस, जब मर्जी आ सकते हो, घूम सकते हो। और अभी चलते हैं जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे काम है बहुत ज़रूरी। इसका बोनट खोल के चेक भी कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हिल रही है। ये देख रहे हो पहली तो ये काफ़ी आवाज़ करती है बैटरी, ये हिल चुकी है और कोई स्क्रू वगैरह भी ढीले होंगे कहीं ना कहीं। और इस तरह की गाड़ी की कंडीशन है बट पावर के मामले में गाइस इस गाड़ी का मुकाबला नहीं है, अदरवाइज वैसे तो खड़खड़ कर चुकी है। और अभी पता नहीं कोई सा स्क्रू मेरे ख्याल से ढीला होगा कहीं ना कहीं, बट ये देख रहे हो यहाँ पे ये सामने ये स्क्रू भी टूट चुका है, पता नहीं क्या क्या टूटने वाला है इसका अब। बस भगवान इंजन और गेयरबॉक्स सही रहे, क्या बात है। सो चलते हैं आगे। अभी मैं आ चुका हूँ वापस अपना काम सारा निपटा के, ये देख रहे हो प्लाई गाड़ी के ऊपर रखी हुई है एंड और भी बाकी सामान है गाड़ी में। बट अभी जो है मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ मम्मी का, मम्मी भी आ रहे हैं वापस एंड अभी टनल के अंदर आया हूँ मैं बिकॉज़ यहाँ पे ठंडक अच्छी होगी, बिकॉज़ बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे धूप काफ़ी सारी है। एंड लिटरली मैन यार काफ़ी डरते डरते लाया हूँ मैं, ये देख रहे हो काफ़ी भारा है, एक फट्टा भी इसका इतना भारी है, तो आठ इस पे रखे हुए हैं, मतलब एक टाइप की पिकअप ही समझ लो ये। सो गाइस चेक आउट दी लोकेशन, अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ डैम के पीछे वाली साइड पे और देख रहे हो पानी का लेवल कितना कम हो चुका है, वहाँ पे निशान है
एंड ये थी वो लकड़ियाँ सुबह जो निकाली जा रही थी, इतनी इकट्ठा हो गया, वो आगे तक चले गई वहाँ तक। और अभी जो मौसम है वो काफ़ी बढ़िया हो चुका है, ये देख रहे हो आप, मतलब बादल बादल आ चुके हैं, क्लाउडी क्लाउडी हो चुका है। और बस का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, मामा भी आ रहे हैं। एंड वो वाली मशीन थी जो सुबह लकड़ियाँ निकाल रही थी, और वहाँ पे वो देख रहे हो सामने भूत बंगला।